निफा की ओर से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुलदस्ता नामक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जुन जयपुरी द्वारा अपने कार्यक्रम शैली से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और उन्होंने कहा कि निफा द्वारा जो मिशन 2020 के अंतर्गत संस्था के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसी के तहत वह भी संस्था के साथ मिलकर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस मौके पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद की ओर से अनिल कौशिक ने शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर आए हुए मेहमानों को भगत सिंह की जेल डायरी देकर भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया गया। तो क्या उद्देश्य है यहाँ प्रोग्राम में आने का? जैसे कि अभी हमारा जो निफा का ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा था कल और परसों दो दिन के लिए, तो आज हम जितने भी प्रदेशों से आए हुए हैं, तो हमने वो जो हमारे मीटिंग में जो युवाओं के लिए जो विजन 2020 जो निफा का एक सपना है, उसी के लिए अब हम अपने अपने राज्यों में जाके निफा के जो विजन 2020 है उसके लिए हम जीत और जैन से आगे वो सक्सेस करने के लिए आगे अपने अपने प्रदेशों में काम करेंगे। हाँ मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? किस लिए इधर आ गए? सर, मेरा नाम रिद्धि त्रिवेदी है और मैं दमन से आई हूँ। तो मैम, निफा में जुड़ने का क्या उद्देश्य था, क्या मेन मकसद था? सर, निफा से जुड़ने का उद्देश्य ये था कि सोशल वर्क आज के तारीख में आज के युवाओं को, मतलब ये चीज़ नहीं पसंद आती है अपने, उनको खेलना कूदना, मोबाइल में वीडियो गेम खेलना, बाहर घूमना, अभी बहुत सारे वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, जैसे किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है, उनको वो सब ज़्यादा पसंद है, सेवा करना नहीं पसंद, वो एक्चुअली होना चाहिए आज के तारीख में, और ये चीज़ को निफा भी बहुत प्रमोट करता है। और मैंने देखा कि निफा के जो मेंबर्स थे हमारे दमन टीम के, उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया, उनको देख के बाद में मैं भी मोटिवेटेड हुई और मैंने ज्वाइन किया। हाँ जी, आप कैसे मोटिवेटेड हुए? हम कॉलेज टाइम से जुड़े हुए हैं इससे, निफा से, और ये एक ऐसी एनजीओ है जो हमें मतलब मोटिवेट करती है, और इससे हम ये दो काम करती है, एक तो सोशल वर्क भी चाहती थी और कल्चरल को भी आगे बढ़ावा देती है। तो अब हम कैंप भी लगते हैं बहुत सारे यूथ के लिए, जिससे हम इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग स्टेट से आए बंदे आपस में इंटीग्रेट होते हैं। मैम, आज की क्या प्रेजेंटेशन है यार? गुलदस्ता का क्या उद्देश्य है जो आज आयोजित किया निफा ने? आज यहाँ पे हम तो जैसे वॉलंटियर आए हुए हैं, आप काम करने हुए, हमारी बैक स्टेज ड्यूटी लगी हुई है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? माय सेल्फ तनु कुमारी। सर, मैं निफा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। निफा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, हर एक बच्चे को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है निफा में। वैसे हम नॉर्मली हर चीज़ में मतलब ज्वाइन करते हैं, बट निफा जो है वो सबसे अलग है। देन आज हम यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए आए हैं एज अ वॉलंटियर।